हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है इफ़ द रीजन ए ऑफ अ इंटीग्रेशन इज ए ट्रेंगल गिवन वाई वाई बराबर जीरो, वाई बराबर एक्स एंड एक्स बराबर वन, देन हमें शो करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x² माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई बराबर 1/3 पाई बाई 3 प्लस √3/2। और हमें दिया हुआ है कि ट्रेंगल के अंदर है, तो पहले हमें ये ग्राफ पुट करना होगा, ये ग्राफ बनाना होगा, हमें वो एरिया निकालना होगा कहाँ पे निकलवा रहा है। तो उसके लिए हम पुट करते हैं यहाँ वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो ये रहा फ्रेंड्स अपने पास, वाई बराबर एक्स ये रहा, वाई बराबर एक्स और एक्स बराबर वन ये ले लिया, एक्स बराबर वन ये हुआ है एक्स बराबर वन। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है ये एरिया है पूरा, ये एरिया जो है एरिया ओ ए बी, एरिया ओ ए बी हमें निकालना है। तो और एरिया ओ ए बी के निकालने के लिए हम पहले से क्या करते हैं, एक यहाँ से यहाँ पे एक पट्टिका बनाते हैं जिसकी लंबाई होती है, लंबाई अपने पास डेल एक्स लंबाई है इसकी, ये लंबाई डेल एक्स और चौड़ाई है डेल वाई, चौड़ाई डेल एक्स लंबाई डेल वाई, तो इसका एरिया हो गया डेल एक्स डेल वाई। अब फ्रेंड्स ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ से जा रही है वाई बराबर जीरो टू वाई बराबर एक्स। तो हमें पहले इसकी अप्लाई लिमिट पुट करनी होगी, ये रहा 4x² माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले वाई जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई बराबर वाई जा रहा है वाई ये रहा अपने पास वाई, यहाँ से जा रहा है जीरो टू एक्स, वाई यहाँ से बढ़ते हुए वाई यहाँ पे वैल्यू होगी पुट कुछ वाई की वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी कुछ यहाँ पे होगी, इस तरह से एक्स तक जा रहा है जहाँ पे एक्स है, तो वाई बराबर जीरो टू एक्स। अब यहाँ पे देखना है हमें एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अब देखना है एक्स एक्स यहाँ से जी यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से इस तरह जाता हुआ जीरो से और वन तक जाएगा, जीरो टू वन ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें ये एरिया निकालना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जीरो टू वन, जीरो टू एक्स पहले वाई के रेस्पेक्टली करते हैं, तो 4x² माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ऑफ डी एक्स ये हुआ है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें ये इंटीग्रेशन के लिए हम 4x² इसके लिए क्या है कॉन्स्टेंट है, वाई इसके लिए वेरिएबल है, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू 1/2 x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a² साइन एक्स बाई ए ये होता है फ्रेंड्स। तो इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे हमें ए बराबर क्या है 2x, 2x का होल स्क्वायर तो 2x² 4x² हो जाएगा, तो ए बराबर क्या है 2x, ये हमें ध्यान रखना है। 0 to 1 हमने वैल्यू पुट की, तो ए बराबर क्या था 2 4 ए बराबर क्या था 2x, ए बराबर 2x, तो उसके ये आ गया अपने पास 4x² माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी हाँ यहाँ पे 4x² माइनस वाई स्क्वायर यहाँ y/2 ये आ गए y/2, क्योंकि y के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो y/2 4x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 a² क्या है, a क्या है 2x, तो ये हो गया 4x² और साइन x/a तो y/2x ये हुआ है फ्रेंड्स। और लिमिट अपने पास 0 to x, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ पे डी एक्स है 0 to 1 लिमिट अप्लाई की, अगर एक्स लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y/2 4x² ये 4x² और यहाँ पे भी एक अप्लाई लिमिट अप्लाई करनी, तो ये एक्स है सॉरी एक्स 4x² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया √3x² या कि √3x ये हो गया प्लस
यहाँ पे लिमिट अप्लाई की हमने तो ये हो जाएगा sin, फिर से सॉरी हमारे पास फॉर्मूले में sin इनवर्स होता है, sin इनवर्स तो ये हो जाएगा 1/2 4x² sin इनवर्स, और यहाँ पे हमें x y की जगह x रख दें तो sin इनवर्स 1/2। अब हमें जीरो पुट करने हैं तो जीरो y की जगह जीरो होने पे ये जीरो हो जाएगा, y की जगह जीरो होने पर sin इनवर्स जीरो क्या होता है अपने पास, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 1/2 4x² sin इनवर्स जीरो, ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये हो गया 0/1√3x² अपॉन 2 प्लस sin इनवर्स 1/2 क्या होता है अपने पास, sin इनवर्स 1/2 होता है अपने पास फ्रेंड्स π/6, तो ये हो गया 1/2 4x² π/6 माइनस 1/2 4x² और sin इनवर्स जीरो क्या होता है फ्रेंड्स, sin इनवर्स जीरो होता है अपने पास जीरो, sin इनवर्स जीरो बराबर जीरो होता है, तो ये हो गया हमारे पास 0/1√3x² अपॉन 2 प्लस 2 से ये गया तो ये हो गया हमारे पास 2 और इधर 3, ये हो गया हमारे पास x² / 3π। ऑफ डी एक्स फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, तो 0/1 ये हो गया √3/2 प्लस π/3 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया ऑफ डी एक्स। अब इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दें या पहले इसको बाहर ले लें क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये हमने √3/2 प्लस π/3 कॉमन ले लिया और 0/1 x² ऑफ dx इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो गया √3/2 प्लस π/3 x³/3 और लिमिट है 0/1, ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स 1 अप्लाई करने पर 1/3 √3/2 प्लस π/3 0 अप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, जो कि हमारे पास जो आंसर आया है वो हमें यही प्रूव करना था। सो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, थैंक यू फ्रेंड्स।